कल रात सारी रात गर्मी है सुते हैं तो कुछ लाओ सोने पे सुहागा। अम्मा जी बैठे नौते अंदर। हां जी ए है जी पेडिस्टल फैन जीएफसी पेडिस्टल फैन। ते मेरे घर क्यों खड़े तकड़ी से नहीं आ। बड़ी ही सैड स्टोरी है ते कल दी सारे नाल सैड स्टोरी थई हुई है ते अस बड़े परेशान है कल दे ही। ते सामने जी अंदर देखो ए है जी मेरा एसी ए है जी मेरा मियां। फिलहाल एसी खराब है मियां ठीक है एसी खराब ठीक है मियां ठीक है नहीं। हाँ मियाँ भी वैसे आपस दिखा ले मियाँ भी ठीक हो नहीं। इमरान ने अपने मुंह आके मैं आखड़ा ना चाहनी हमने बुरा लगे तो पता क्या सारे एसी थी गए खराब कल दा ऐसा कुरुवाई खड़े ऐसा कल रात सारी रात गर्मी है सुते हैं मेरे बाल गर्मी है सुते मेरी नंद आई वधी आई वो गर्मी है सुती है ठीक थी गया ते ऐसा कल सारी रात तपस्या कट्टी है आज सारा डी कट्टी है ते हाली तक कटे ने गणे इंदा जी आउटडोर दा कोई फंक्शन खराब थी है कोई पुर्जा खराब थी है ते ओ हुण जुड़ना दिते ते ओ आदे पैन जी के शाही इमरान साहब सर्किट ओ जरा लोड़ी लोड घाटा दा रह गया ना तक मैं आ देना गया लोड घाटा दा बेडियां दा मसला थे खड़े बे एसी ना चलाओ कोई ना कोई नुकसान थे सो ओ आ चा गई दे चलो जो जाहिर है मजबूरी आई। हां जी दिखाओ सर आपड़ी पिनिया खान खान के कल दा ए हालत है इमरान दे पिनिया दी देखो दुहावा पिनिया ते इयो मसला इमरान दे ना एन तरह को ए कल दी गर्मी जेड़ी साकू मिली है ना कल दी ओन दी वजह कोल ए हालत थी खड़ी है ना इमरान दी ते गर्मी कोल मेरी हालत आई ते बालों को मैं आज कल रात जिवें किवें तपस्या कट्टी से ते बालों को मैं भेज दी ते जी अम्मी दे घर क्योंकि मैं ते इमरान दे वल भी बर्दाश्त कर गई सो गर्मी च ते बाल ते बेचारे बच्चे मासूम हैं ओते नहीं गर्मी बर्दाश्त कर सकते ना हिंग आलू बालों को अम्मी दे घर भेज दिते मैं ते इमरान इतना है असा कोई देर उत्ते छाते बैठे रह गए हवा बहुत प्यारी चलती पई है उत्ते लेकिन असा को आदत कह नहीं ना मेरे को कुआरे ला को आदत कह नहीं बैर सहन है समण की गाँव में से उत्था समझा से लेकिन जागते रहा से ते शहर इतने ही घर नहीं बैर सुते कोई नहीं अंदर समझा से इतना भी यो आदत है जजन की शादी थी अंदर समने हिंग आलू मैं उत्ते गई ते हाँ लेकिन थले ले आई हूँ मैं जी मेरे को नहीं समझा मैं नहीं समझ सकती ते वाल उन्दे बाद ये जड़ा उत्ते छत वाला पक्खा है ये इतना रोमना खावना है कि इंदी कोई हवा फील नहीं थी भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना पंखे ना के कसूर शो दे अंदर या एसी अंदर क्या कसूर। वाल जी ये पेडिस्टल फैन है जड़ा कि साकू मेरी नाल अम्मा जी हैं बाजी हैं मेरी मतलब मेरे आपड़े नहीं मेरे आपड़े को भी ज़्यादा हैं मतलब मेरे वैसे कोई रिश्तेदारी कोई नहीं उन्होंने लेकिन मैं जगन दी इतना आई हाँ ना वो मेरे नाल इतना कोऑपरेट करे ने कि वो मेरे आपड़े को भी ज़्यादा मेरे को प्यारे हैं। तो ये जी उन्होंने अपने जहेज दा बाजी ने पंखा कट के दिते जी तो उन्होंने आखे जी तुसा गर्मी है सुते पैवे एक नो पंखा उत्ते लाओ तो पंखा चला के वाल उनते छत रखो तो पंखा चला के समो उत्ते तो नहीं समझ सकते वाले सतले ही पंखा ला के रखा हुआ है पासे खाने ने सोने पे सुहागा लाइट चली गई ते सारे यूपीएस ताकू अगर तुसे सारे सब्सक्राइबर ही सारी वीडियो अगर दे दे वे तो ताकू पता उसी के यूपीएस सारे कड़न दा खराब थी चुके। हाँ जी इमरान साहब इको बंद कर दियो ओके इको काट गिनने ना ये कोई नुकसान ना देवे। हाँ जी ए हालत है जी अगे एक घंटा लेट गई है उनके को पहले फजर को एक घंटा गई है आधे उन्होंने गरीबा रोजे रखे डी वे थे एक सारा यूपीएस सड़ गई है सारा एसी खराब थी गई है अब हाल ही भी हफ्ते वाले डी एसी बन सी ना हफ्ते वाले डी सुबह 11:30 बजे आउटडोर बनना गयो है क्योंकि वो कल जुमा है पिया उन्होंने आके भी हफ्ते वाले ही बन गया सी चलो मैं थोड़ी खुली हवा लाइट आसी पहले दरवाजे शरवाजे बंद करो बंद सलाम नहीं किया अपने डोक सुख डोखी सुनवावन लग गया तकू।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हां नादिया, तुसा दी दे प्याओ मेरा YouTube चैनल नादिया इमरान फैमिली। उम्मीद के साथ तुसा सब ठीक हो सो, खैर खैरियत ना लो सो, अल्लाह तक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना आयदा ब्रांड न्यू व्लॉग शुरू करेने हैं, उन्दे कोल पहले मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर गिनो, लाइक कर गिनो, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, घंटी का बटन दबावना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नवी आवन वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तेरे को झटपट पहुँच बने। जी आज का जड़ा व्लॉग है वो स्टार्ट थी चुके तक पता है जिम्मे के बैड न्यूज़ नाल, बैड न्यूज़ नाल चलो गुड न्यूज़ ये है कि लाइट आ गई है, सारी इंट्रो करें दे तक। चलो खैर पंखा वल्दा ये लेने हैं जी, लाओ इमरान साहब पंखा, हेक ते गर्मी हाँ ठीक है। उत्तू जी मम्मी डैडी फोन सारे ते जो हाल है पसीने को है ते ना जी फोन दा ये हालत है कि मेरी इवें लगदे उंगलियां ना सड़दियां गड़ियां, इतना मम्मी डैडी ये फोन है जी। खैर जी तुसा सब सारे हक के दुआ करे सो कि अल्लाह करे साडा ये एसी जल्दी जल्दी ठीक थी बने, हाली ते सब बड़े अफसुरदा हैं जी, बहुत अफसुरदा था बेटा। मैं आके हुण इत्थे बह गई हां पंखे दे सामने, हाली फिलहाल तुहारी मुहब्बत च असा पखा बंद कीता है अंदर को, ते उतला पखा हाली चलदा भी, हुंदी भी आवाज़ इतनी ज़्यादा हो सी कि उनको बाद च थोड़ा जहा सैटिंग करनी पौंदी है। खैर जी अज मैं रात ही दादा बू को दूजा इंजेक्शन लगवावना है अखे च लैफ्ट साइड ते अगे राइट ते लवाया ही, ते अलहमदुलिल्लाह दोहां अखी विच इंजेक्शन दा जड़ा प्रोसीजर मुकम्मल थी गया, हुण है जी ऑपरेट दा। और अज मैं डॉक्टर साहब को पूछे, उन्होंने आखे जी जिमें हाली मैं देख सा, मैं एक दफ़ा डा दिन तक चेक करे सा पहले, उन्दे बाद मैं ऑपरेट दिसे सा, देखते हैं जिमें डॉक्टर साहब ऑपरेट दिसे ने इंशाल्लाह ऑपरेट करवा गए सो। तुसा सब दुआ करे दादा बू किते, अल्लाह उन्होंने अखी दे नूर सलामत रखे, अल्लाह उन्होंने ते कुल मोमिन मुसलमान दे अखी दे नूर सलामत रखे, अल्लाह अखी कहन दे ना करे, क्योंकि मेरी वालदा को नज़र नहीं आता, मेरे को पता है कितनी तकलीफ है। मेरी अम्मी कितने भी दुआ करे सो, सब कितने दुआ करे सो कि अल्लाह सब दे नूर बाजू सलामत रखे। मिलते हैं जी तकवल थोड़ी देर तक। The next day. जी नैक्सट डे मैं अपनी अम्मी के घर, कल रात को तेरे शेयर किया कि साढ़े एसी सारा खराब थी गए, तो असा नाल अली बाजी ने सब डंडे वाले पखा दिते, असा नाल उन्दे नाल गुजारा करेंदे पे, लेकिन तेरे गाल जी तेरे गाल करेंदे करेंदे ही लाइट चली गई है, तो उन्दे बाद जड़ी हालत थी है ना, वो तो बस ना पुछो, तुसा बुरी हालत थी गई, इमरान की तबीयत खराब थी गई है, इन्हों का रंग पीला थी वन लग गई, हार्ट बीट तेज थी वन लग गई है, मतलब काफ़ी बुरी हालत छोड़ती गई। वाल मैं अपने भाई को कॉल की है कि ना आओ तो सब गए नो, इतना बड़ी बुरी हालत है, गर्मी को इमरान की तबीयत ठीक कोई नहीं, उन्हें बड़े भाई ने छोटे को फोन किए, वो आए वो सब गए नहीं है, हूँ सही टाइम रात अस अम्मी के घर रहे हैं, हूँ इतना भी हाली भी अम्मी के घर है, तो इमरान कहते भैन जी हम नमाज पढ़न, तो फिलहाल हाली ये बैठे नीता, लेकिन हूँ अस नमाज पढ़न, उनके बाद वाल वेलसू घर का चक्कर लेसू, देते हैं जी घर की क्या हालत है, रात को काफ़ी लेट घर छोड़ के आए हैं, एक डेढ़ का टाइम आई हूँ हले, और नमाज कुरान पढ़ने तो बाद वाल वेसू जी घर, उनके कोल पहले जी आज जुमा है, मेरी तरफों मेरी फैमिली की तरफों मेरे तमाम मुसलमान बहन भरावों को सबको जुमा मुबारक, अल्लाह तो आपको सबको अपने जमाने च रखे, अल्लाह ही जुमे दे सदके सारे सब दे सगीरा कबीरा जाने अनजाने जान बुझ के कितने सब गुनाह माफ़ फरमावे, ते अल्लाह साडे उत्ते अपनी खास रहमत अता फरमावे, अपने महबूब दे सदके अल्लाह तमाम बेरोजगारों को रोजगार देवे, ते तमाम बेउलाद जोड़ियां को अल्लाह मियां औलाद की नियमत को नवाजे, ते मैं समय जिन्हों को औलाद अता की अल्लाह सारी औलाद दे नसीब अच्छे करे, अल्लाह इन्हां को सेहत आफियत आली ते खैर आली जिंदगी देवे, ते अल्लाह इन्हां दे नसीब अच्छे करे, ते अल्लाह तम सारे वालदैन को जी अल्लाह सारे वालदैन को अपने जमाने च रखे, जिन्हे वालदैन जिन्हें हयात हैं अल्लाह मैं समेत मेरे वालदैन समेत सब दे वालदैनों को अल्लाह सेहत आफियत आली खैर आली जिंदगी देवे, ते उन्हां दा साया हमेशा सारे सिरा ते कायम रहे, ते जेड़े दुनिया फानी तो रुखसत थी गए सारे सज्जन सारे प्यारे सारे अपने अल्लाह उन्हां सब की मगफिरत फरमावे, तो अल्लाह जन्नत उल फिरदौस आला मकाम अता करे उन्हां को जी। हूँ जुमे का टाइम है, इमरान भी नमाज पढ़ने वे पेन, मैं भी नमाज पढ़ दी तो बाद मिल जाए। वेलकम बैक जी, मैं घर वापस आ गई हूँ, पर इमरान साहब हाल हूँ तई अम्मी के घर हैं, मैं आई हाँ क्योंकि मैं काके घर को आन के डिठी आवा, दूजा ये रखो ये पखा खड़े ना उन्होंने मेहरबानी है, नाल अली अम्मा जी उन्होंने तो बाजी दी उन्होंने मेरे को ये पखा दिते, ये पखा उन्होंने को करे नहीं वापस क्योंकि अच्छा नहीं लगता, जो हूँ सारी यूज छाली कोई नहीं अस यूज नहीं करेंगे पे, तवाले सही को अपने को भी नहीं रख सकते, मुश्ताक भाई आओ ये मुश्ताक भाई को आ दें को अच्छी तरह पैक करें, तो नाल आले घर भी होने ना एक ना तार को लपेटो जा छापर इन्ना बह रही थी, हाँ जी फ्रिज पानी बोतल भी पैन
ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਲ ਸਰਵਰ ਤੇ ਵਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥਾ ਗਿਰਾਜ ਰੱਖੋ ਚਾਹੀ ਕੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਪਿਓਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਲੈਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜੇਗਾ ਇਹਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣਨਾ 9 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਨੀ ਆ ਘਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖੀ ਆ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲੇਨੀ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੜੇ ਨੇ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਖਾ ਬਾ ਅਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਜਰਾ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਕਰੋ ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਵਾ ਮੁੰਗੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਬ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੰਖਾ ਆ ਗਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ 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 ਠੀਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾਵ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਗੱਲਾ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦਾ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਹਿਸਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਸੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਪਾਤੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਰਫਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗਿਣਨ ਕੁਝ ਗਲੇ ਤੀ ਦਵਾਈ ਗਿਣ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਆਓ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾ ਤੇ ਆਓ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਲੀ ਥਕਿਆਰ ਤੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਲਿਮਕਾ ਪੀਵਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਆਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਵਾਓ ਆਓ ਖਾਓ ਚਾਵਲ ਖਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੂਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆਪਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜੀ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਮੂ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰਵਾਨ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿੰਬੂ ਗਿਣਨਾ ਹੁਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਜੀਬ ਖਾਣਾ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸੇਬ ਮੈਂ ਕੋ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੇਬ ਨਾ ਖਾਓ ਪੇਟ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਰਫਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥਾ ਪਈਏ ਆਪਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਬਈ ਇਹ ਉੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਈ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਹ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਏਸੀ ਦਾ ਕਿਆ ਰੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦੇ ਪੈਣ ਉਮੀਦ ਦਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਚਰਡੇ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਬਣਵੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸੀ ਵੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਸੋ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।